हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। देखिए ये जो आपको दिखा रही हूँ ये वुडन का चीज़ है। ये हमारा मतलब अपार्टमेंट में ये सेल दिया था, तो जस्ट वो लोग निकाल रहा है, तो विद इन दैट मैं थोड़ा सा शूट करना शुरू कर दिया था। इतना अच्छा अच्छा चीज़ें यार, मैं क्या बताऊँ, कितना कम प्राइस में वुडन जो चीज़ें आप लोगों को देखा ना, बहुत ही कम हाफ प्राइस में मिलता है। और ये सब 200-300 ऐसे रुपया लिया है। इधर फोन और जो और एक फोन है मेरा हाथों पे, इधर पानी और टिफिन बॉक्स अंदर है, थोड़ा सा खाना ले लिया है। और इसके अंदर है थोड़ा सा मेडिसिन, थोड़ा पेन, थोड़ा सा प्लास्टिक का पेपर, बस ये ले लिया है इसके अंदर। ये मैं ड्रेस पहन के जाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड ये इधर सब कपड़ा वगैरह जो भी है ले लिया है, जीन्स। और इधर ज़्यादा मैं कॉस्मेटिक्स यूज नहीं करती हूँ। इधर लिपस्टिक ले लिया है और थोड़ा सा फाउंडेशन, बस बिंदी फिंदी बस, ज़्यादा मैं। और इसके अंदर मतलब कुछ इनर गार्मेंट्स है। और इसके अंदर चार्जर है देखिए सब। और ये एक नया मैंने वो लिया है ट्राईपॉड, टैबलेट, एंड मेरा जो कैमरा है वो हस्बैंड। और ये देखिए थोड़ा सा खाना बिस्किट ले रही हूँ बच्चे के लिए, बच्चा है तो ये लेना ही पड़ता है। और ये है साबुन और स्कॉच ब्राइट धोने के लिए बर्तन, एक बर्तन ले रही हूँ मैं। ये ब्रश ले रही हूँ चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। और ये मेरा बैग है देखिए, शांति निकेतन से मेरा दीदी ने दिया था। हम लोग जा रहे हैं, 5:15 को ट्रेन है, तो कैब में हम लोग मजा मस्ती करते करते जा रहे हैं। और इधर मैं खुद का फोटो बहुत ही बहुत बार खींचा, तो मतलब अच्छा लगता है ना देखने में कैसा लग रहा है मुझे। और देखिए कितना दिन बाद एक रिफ्रेशमेंट आया, मतलब पूरा ट्रेन में जाने मतलब कितना साल, 10-12 साल नहीं किया, और कोरोना में तो पूरा ऑफ हो गया था। ट्रेन का वो व्हिसल का आवाज़, फिर गर्मा गर्म चाय उसके साथ बहुत कुछ खाना जो मैं कैप्चर नहीं किया, थोड़ा थोड़ा किया है, झाल मुरी, मसाला मुरी, उसके साथ बहुत कुछ स्नैक्स, ट्रेन का जार्किंग, सब कुछ। ट्रेन जर्नी का अलग होता है यार, बहुत मस्ती है। एंड रात को हम लोग ये होटल में रहे थे, तो अब लोग देखिए ये देखिए होटल, ये इतना अच्छा नहीं है। जस्ट इस रात में हम लोग रहेंगे, इसलिए रात के लिए जस्ट लिया है, सो गया एक। हम लोग अभी तक डिनर टिनर नहीं किया है। और बाथरूम भी इतना अच्छा नहीं है देखिए, सो सो। और हम लोग पहुंच गए हैं शिमोगा, ये है शिमोगा। तो शिमोगा में मतलब ये जस्ट होटल में एक रात हम लोग रहेंगे। बाथरूम में आकर स्मेल लग रहा था, अच्छा नहीं है मुझे, ऐसा ही बेड है, तो एक दिन एडजस्ट कर लेंगे, क्या करेंगे। डाल राइसा देखो ना, डाल राइसा से गिना। हाँ ये होटल का रेस्टोरेंट है, ये पूरा दिखा रही हूँ आप लोगों को, देखिए रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है, होटल काफी बड़ा है, बट मतलब क्लीन, इतना क्लीननेस नहीं है, बट खाना अच्छा था, मसाला नहीं है, बॉइल्ड है। दाम ठीक ठाक ही है बाहर। इधर शिमोगा में ये खाना जो था बहुत बढ़िया था, ये था नान लिया था, ये चिकन करी लिया था, चिकन बटर मसाला, थोड़ा सा दाल, नॉन स्पाइसी दाल, सलाद एंड राइस। और उस दिन खाना खाना खाने के बाद ये मॉर्निंग आ गया है हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए। उस दिन मेरा हस्बैंड का फास्टिंग रहता है, नहीं खाता है, तो ये बच्चे को मैं खाया। मुझे भी मॉर्निंग खाने का इतना अच्छा नहीं होता है। एनीवेज तो अभी हम लोग निकल गए हैं शिमोगा से। Thank you.
मोगा से गोकनाटा ये जाने में हमारा कैब में हम लोग लिया था, 2 दिन रखा था कैब को, 5 आवर्स लगा हमें। और कर में ना सब हिंदी गाना चला दिया था, वो थोड़ा सा आप लोगों से शेयर किया, मुझे डर लग रहा है कॉपीराइट ना आ जाए, क्योंकि नहीं शेयर कर सकती ना बॉलीवुड सॉन्ग। सो सभी बॉलीवुड सॉन्ग के ऊपर नाचते नाचते गाना गाते गाते हम लोग निकल पड़े। और देखिए इधर ना मतलब ये प्लेस जो है पहाड़ है एंड समुद्र है, मतलब सी है। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं जोग फॉल्स में, जोग जलप्रपात जो बोलते हैं। तो वहाँ पर देखिए बार बार बारिश हो रहा है, बार बार। मैंने ये दुकान वगैरह जो है ना उनको पूछा, मैंने बुलाया है, पूरा होल यही ऐसा होता है, मतलब बारिश होता है थोड़ा जो आप लोगों को दिखाऊंगी, देखिए थोड़ा सा जो क्लाउड है ना आके बारिश करके चला जाता है, फिर से थोड़ा सा धूप उठता है, फिर से ऐसे होता है, तो पूरा टाइम ही ऐसा रहता है। देखिए पीछे हमारा पूरा ये जो है ना ये फॉग नहीं है, ये क्लाउड है, क्लाउड आके बारिश करके फिर चले जाएगा। ये हिल स्टेशन में ना वॉमिट करते करते मेरा हालत ख़राब हो गया, इसके लिए मैं पॉपकॉर्न और मेडिसिन। और हम लोग उस दिन ये गेस्ट हाउस में रुके थे, गेस्ट हाउस नहीं, ये एक्चुअली रिजॉर्ट है, ऐसे छोटा 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 कॉटेज टाइप का है। तो ये रिजॉर्ट का मैं नाम दिखा नहीं रही हूँ, ऐसे थोड़ा बहुत एक दो होटल का नाम दिखा दिया तो लोग का प्रमोशन हो जाता है। मैं तो प्रमोशन के लिए नहीं, ऑनेस्ट जो है मैं वही वीडियो शेयर करूँगी। ये प्लेस बहुत ही रिफ्रेशिंग है, बहुत अच्छा है। और इसका सामने ना हमारा एक ये देखिए कितना सुंदर है, ऐसे टाइप का छोटा 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 पूरा ऐसे है हट टाइप का कॉटेज एंड सीनरी बहुत अच्छा है, पूरा ग्रीनरी है। दो ऐसे मतलब फर्स्ट फ्लोर ऐसे भी ले सकते हो आप, ऐसे ग्राउंड में भी ले सकते। हाँ किचन दरकार यदि बाय चांस किचन दरकार है राना टाना करार बाद किचन है दूध से। और इस लोगों का अंदर ये है रेस्टोरेंट, ये इधर आके भी खा सकते हो, ये रूम सर्विस भी देता है। जहाँ पर मैं जो भी जितना भी होटल में रुका है सभी होम सर्विस देता है, बट आप इधर आके भी खा सकते हो ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी है। बट प्रॉब्लम है इधर के डिसएडवांटेज नॉन वेज मिलता नहीं है, और तब लोग नॉन वेजिटेरियन के मतलब घूमने आए हो तो एवरी डे मतलब जो लोग वेज खाते हैं और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उस लोग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इधर मतलब वही साउथ इंडियन डिश अब लोगों को मिलेगा, तो उसके साथ थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन भी लाइक टच है, जैसे थोड़ा सा छोले वगैरह ऐसा है, बट नॉन वेज एकदम भी नहीं है, अलाउड नहीं है इधर, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। क्योंकि हम लोग के लिए ये मसाला बहुत ज़्यादा रहता है खाने में, जो इस लोग के लिए स्पाइसी पसंद है उस लोग के लिए अच्छा है, अदरवाइज ये प्लेस बहुत अच्छा है। अंकल आंटी इधर जो मेन ओनर है वो लोग बहुत अच्छी तरह से टेक केयर करते हैं, बहुत अच्छा है। इसमें एक मतलब आपको लगेगा नहीं है बाहर घूमने आए हो, लगेगा फैमिली के साथ रह रहे हो। ये देखिए पीछे विंडो है, इधर देखिए दूर दूर पूरा बागान है। और अभी हम लोग जा रहे हैं जो है कुडले बीच के तरफ। ये कुडले बीच जो है ना बहुत ही डेंजरस है, मतलब थोड़ा सा मतलब बहुत ही स्टोनी है। इस बीच में जनरली फैमिली नहीं आता है, हम लोग जस्ट एक्सप्लोर किया है, और भी 2-3 बीच है वो हम लोग नहीं, एक दो बीच है नहीं एक्सप्लोर किया नहीं। ये मतलब पूरा पत्थर है, बट वाटर बहुत ही क्लीन है। देखिए
trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes. दिखाई नहीं दे रहा है कुछ देखी तोर कपले बुरा बोरबो आमी की एक आश्रम है बहुत सुंदर से मतलब स्कूल का इतना बच्चा आता है फ्री ऑफ कॉस्ट में शायद आश्रम में पूजा वूजा करते हैं कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं और ये एकदम अंधकार में मेरा बेटा भूत का घोष का स्टोरी बोल रहा है देखिए उसका रिएक्शन और नेक्स्ट डे हम लोग एक्चुअली ये ब्रेकफास्ट कम लंच बोल सकते हो वही खाकर फिर हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए चले गए और इतना धूप है ना मैं आंखें मिला नहीं पा रही हूँ मतलब पूरा हमारा जो रिजॉर्ट है वहाँ से ये एक्चुअली 1 किलोमीटर दूर है तो पैदल ही जाना अच्छा है और हिली है ना हिली एरिया तो वही अच्छा है एंड यहाँ पर ना मैं सबसे बहुत ही अमेज्ड हुआ यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने देखा हिल के ऊपर ऐसे समुद्र सी मैंने इस ऐसे मतलब हिल स्टेशन अलग होता है सी बीच अलग होता है बट यहाँ पर दोनों ही सेम है दोनों एक साथ है जैसे मेरा पसंद है समुद्र सी एंड मेरे हस्बैंड का पसंद है हिल माउंटेन सो दोनों ही मतलब ये गो कनाडा ऐसे देखिए समुद्र दिखाई दे रहा है ये रोड देखिए कैसा है पूरा नैरो है रोड ये बेसिकली ये गोकर्णम बीच में जा रहे हैं हम लोग गणपति मंदिर की तरफ ये एक्चुअली मेरा पापा का देहांत हो गया इसलिए 1 ईयर मैंने अंदर नहीं घुस सकती तो मैंने बाहर ही खड़ी थी वो लोग अंदर चले गए एंड प्रणाम प्रणाम करके प्रसाद तसाद वैसा लेके आए एंड ये पूरा जो आप देख रहे हो ना पूरा मंदिर एरिया है ये चत्तर है यहाँ पर सब कुछ पूजा देने के लिए सब कुछ जो आपको मिलता है ना फ्रूट वगैरह सब कुछ मिलता है मैं अंदर थोड़ा कैप्चर करने का ट्राई किया बट नहीं हो रहा है ये देखिए सब मिलता है इधर और ये फोटो लेना फिर देखिए ये पूरा कैसा पूरा ना टच आता है जैसे पूरा ना शहर होता है ना वैसे ही पूरा टच मिलेगा और यहाँ पर मैंने कुछ कुछ देखिए ये जो आस पास में दुकान है ना यहाँ से आप सबके लिए ले सकते हो बट दाम बहुत ही ज़्यादा लगा मुझे बैंगलोर में जो 100 है इस प्लेस में 500 है और ये जो और एक टेम्पल है ना उसके अंदर मेरा हस्बैंड एंड महाबलेश्वर जो टेम्पल है उसके अंदर मेरा बच्चा एंड हस्बैंड गया और उस टाइम पे मैं ये कैप्चर कर रही थी ये जो आपको पीतल तामा जो भी आप देख रहे हो उससे अभी हाई प्राइस है कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है मतलब आप मान के चलो 5 गुना ज़्यादा है बट अच्छा लगता है ना घूमने में ये देखिए पुराना जो हाउस है पुराना टच है पुराना शहर इसलिए मैं कैप्चर किया ये पूरा हाउस जो है अभी दिखाई नहीं देता है ऐसा हाउस और इधर का जो फेमस है वो है स्वीट्स एंड अगरबत्ती एंड मसाला बहुत मसाला का दुकान है यार और ये है बेसिकली जो गोकर्णाटा बीच ये इधर मतलब फैमिली आता है पूरा फिर भी पहले ना बहुत जो हिप्पी बोलते हैं मतलब फॉरेनर्स आते थे अभी कोरोना होने के बाद ये सब इतना नहीं कोई भी नहीं आता है जनरली इस लोकल आसपास में जो रहते हैं वो लोग ही आते हैं एंड ये प्लेस इतना मतलब बहुत ही पॉपुलर नहीं है आप लोग अगर नहीं कभी भी नहीं घूमा है तो आ सकते हो बहुत ही अच्छा प्लेस है मुझे अच्छा लगा एंड यहाँ पर कुछ हैंडमेड कुछ चीज़ें हैं जो वो गणपति आप टेम्पल देखा ना उसका पीछे रोड में है तो ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ वगैरह है बट एक्सपेंसिव है बहुत ही इतना मुझे कुछ खास नहीं लगा जो अलग प्लेस में रहते हैं एंड हो गया हमारा ये लास्ट नाइट है जहाँ पर ये होटल में हम लोग रुके थे ग्रीन व्यू बोलकर तो आप लोगों को इसका भी रिव्यू मैं शेयर करूँगी देखिए देखने में ये 4 स्टार है बट एक्चुअली कैसा है वो तो आगे ही पता चलेगा
ये है रेस्टोरेंट उस लोगों का अंदर। हम लोग रेस्टोरेंट में आके नहीं खाया, होम सर्विस लिया क्योंकि टायर हो गई थी यार इतना घूम फिरा कर। एक्चुअली हम लोग फ्राइडे, मैंने कहा 5:15 में हम लोग को शाम को ट्रेन था एंड हम लोग आए मंडे मॉर्निंग। सो थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में। हाँ, जो बोल रही थी, ये देखने में बहुत ही अच्छा है, सब कुछ बैकटॉप से लेकर मतलब सब कुछ बहुत ही फोर स्टार का जैसा है वैसा ही है। बट मुझे कुछ कुछ बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा, जैसे आप लोगों को शेयर करूँगी। देखिए के फ्रिज है, ये देखिए इसके अंदर जो भी आप खाओगे ये आपको पे करना पड़ेगा। ये ओनली चाय कॉफी फ्री है, बाकी आप खा सकते हो बट यू हैव टू पे फॉर। और ये होटल में जो खाना था हम लोग ने लिया था चिली चिकन, नॉर्मल राइस, नूडल्स एंड दाल। भगवान, मैंने बोल दिया था बच्चे का थोड़ा पेट का प्रॉब्लम है, फिर भी वो लोग कुछ मत दीजिए, कुछ भी मसाला मत दीजिए, ओनली थोड़ा सा जीरा डालकर दे दीजिए, छौंक डालकर बस। वो लोग, मैं इतना ऐसा दाल नहीं देखा कभी भी, जो वो दाल के मतलब ऐसे उठा है ना पूरा टप 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 करके ऑयल गिर रहा है, इतना खराब खाना। और चिकन ना पूरा रबर के जैसे हो गए, अब च्यू ही नहीं कर पाऊँ। और नूडल्स भी टेस्टलेस एकदम। देखा आप लोगों ने, बहुत ही सुंदर होटल है, बट ये बाथटब में पूरा छोटा 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 बाल में भरती है, मतलब कैसा क्लीन किया मुझे पता नहीं है। और ये है शावर प्लेस, इस प्लेस में आप शावर कर सकते हो जैसे फॉरेन में रहता है और फाइव स्टार होटल में रहता है वैसा ही है। और ये है बेसिन, वॉश बेसिन है, और पास में ये नॉर्मल जैसे कॉमोड वगैरह है, वॉशरूम। अगर ये होटल को मुझे आउट ऑफ 10 देना है तो मैं इसको 2 भी नहीं दे सकती। ये जो किट सब देख रहे हो ना, ये सब फ्री है। तो देखिए मैं एक एक करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये है मॉइस्चराइजर, अच्छा ये है शैम्पू, अच्छा एक मिनट, ये क्या है, ये है बबल बार, मतलब वो ये करने के लिए, शावर करने के लिए साबुन। और ये भी नॉर्मल साबुन है, नॉर्मल सोप है, एंड इसके साथ थोड़ा सा कॉम दिया था यही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय बाय।